ईपीजी पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर रसाल सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर किरोड़ीमल कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में कार्यरत हूँ। आज हम प्रश्न पत्र आधुनिक कविता 2 के अंतर्गत साठोत्तरी हिंदी कविता और धूमिल पाठ पर चर्चा करेंगे। इस पाठ के अध्ययन के उपरांत आप साठोत्तरी काव्य परिवेश से परिचित हो सकेंगे, साठोत्तरी हिंदी कविता की मूल प्रवृत्तियां समझ सकेंगे और साठोत्तरी हिंदी कविता में धूमिल का स्थान निर्धारित कर सकेंगे। सुदामा पांडे धूमिल स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के सर्वाधिक चर्चित और पठनीय कवियों में से हैं। वे साठोत्तरी कविता के प्रमुख कवि हैं। उनके मात्र 3 कविता संग्रह प्रकाश में आए हैं, जिनके शीर्षक हैं संसद से सड़क तक, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र और कल सुनना मुझे। धूमिल ने इन 3 संग्रहों के जरिए भारतीय लोकतंत्र और संसद की पूरी प्रक्रिया का बेहतरीन जायजा लिया है। हरेक सृजनात्मक साहित्य अपने समय, समाज और परिवेश की निर्मिति होता है। युग बोध ही रचनाकार की चेतना का स्वरूप निर्धारित करता है। समकालीन राजनीति, अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक परिवेश और उसके घटकों से युग बोध निर्मित होता है एवं रचनाकार की चेतना में इन सब का प्रतिफलन होता है। धूमिल अपने युग बोध से अछूते कवि नहीं हैं। उनकी कविताओं में आज़ादी के तुरंत बाद का भारत का सामाजिक राजनीतिक यथार्थ धड़कता है। आज़ादी के बाद भारतवासियों के मन में तमाम सपने, उम्मीदें, आकांक्षाएं थीं, लेकिन जिस प्रकार से समय बीतता गया उनकी उम्मीदें और सपने पूरे नहीं हो सके। इससे उनके मन में गहरी निराशा, हताशा और मोहभंग की स्थिति पैदा हुई। इस मोह भंग को अभिव्यक्ति देने के लिए हिंदी कविता में बहुत सारे कवि आगे आए। नई कविता आंदोलन और जनवादी कविता आंदोलन और अकविता आंदोलन, युवा कविता, कुछ ऐसे काव्यांदोलन थे जिन्होंने स्वातंत्र्योत्तर मोह भंग को अभिव्यक्ति दी। सुदामा पांडे धूमिल इस प्रकार के प्रतिनिधि कवियों में से एक हैं जिन्होंने इस मोह भंग को अभिव्यक्ति दी। साठोत्तरी कविता मूलतः सन 1967 के बाद की कविता को कहा जाता है। नई कविता, नवगीत, प्रगतिवादी कविता जैसी तमाम पूर्ववर्ती काव्य प्रवृत्तियों के साथ साठोत्तरी कविता या अकविता समानांतर चल रही थीं। अज्ञेय, मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय, गिरिजा कुमार माथुर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, धर्मवीर भारती, श्रीकांत वर्मा, प्रभाकर माचवे, केदारनाथ सिंह, राजेंद्र गौतम, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, शमशेर, नागार्जुन आदि नई कविता, नवगीत और प्रगतिवाद के कवि साठोत्तरी युवा कवियों के साथ साथ रचनाशील दिखाई पड़ते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, कोई भी काव्यांदोलन एक निश्चित अवधि में पैदा होकर खत्म नहीं हो जाता। एक साथ कई काव्यांदोलनों की प्रवृत्तियां एक दूसरे के समानांतर चलती रहती हैं। इसी प्रकार ये जो कवि हैं जिनका अभी हमने नाम लिया, इनकी भी कविताएं लंबे समय तक कई काव्यांदोलनों के साथ साथ समानांतर चलती रहती हैं। साठोत्तरी हिंदी कविता में अकविता, शुद्ध कविता, ठोस कविता, सहज कविता, ताजी कविता, सपाट कविता, युजुत्सु कविता, बीटनिक कविता, अस्वीकृत कविता, आक्रोशित कविता आदि तमाम प्रवृत्तियां एक साथ विद्यमान हैं। यही कारण है कि सन 1967 ईस्वी के बाद की इन तमाम काव्य प्रवृत्तियों को नामांकित करने के लिए एक समग्र नाम दिया गया, साठोत्तरी कविता। इस आंदोलन से जुड़े राजकमल चौधरी, सुदामा पांडे धूमिल, जगदीश चतुर्वेदी, कैलाश वाजपेयी, चंद्रकांत देवताले, कुमारेंद्र पारसनाथ सिंह, कुमार विकल, मुद्रा राक्षस, वेणुगोपाल, परेश, मणिका मोहिनी, प्रयाग शुक्ल, राजीव सक्सेना, मोना गुलाटी, कमलेश, नर्मदा प्रसाद त्रिपाठी, स्नेहमयी चौधरी, रमेश गौड़, श्याम परमार, ममता अग्रवाल, नरेंद्र धीर और केशु जैसे कवियों ने आज़ादी के बाद के 20 वर्षों के
कड़वे अनुभव को कविता का केंद्रीय विषय बनाकर स्वातंत्र्योत्तर भारत के सत्ता प्रतिष्ठानों का पोस्टमार्टम करना शुरू किया। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इन्होंने जो आज़ादी के अधूरेपन से जो जनता के मन में मोह भंग पैदा हुआ उसको अभिव्यक्ति दी। साठोत्री कविता में स्वातंत्र्योत्तर भारत की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों की भरपूर अभिव्यक्ति है। हालांकि साठोत्री कविता को लेकर हिंदी आलोचना जगत में खूब खरी खोटी कही गई है। इस कविता और इसकी प्रवृत्तियों पर खूब आरोप लगाए गए हैं। एक हद तक इसे कविता तथा इसके कवियों को कवि मानने से ही इनकार किया गया है, लेकिन साठोत्री कविता निराला और मुक्तिबोध की ही परंपरा का विकास है। निराला और मुक्तिबोध का स्वर साठोत्री कवियों तक पहुंचते पहुंचते व्यंग्य और विद्रोह में परिवर्तित हो गया। साठोत्री कविता अपने समय का जीवंत दस्तावेज प्रस्तुत करती है। इस धारा के युवा कवि चारों ओर व्याप्त अस्थिरता, अस्त व्यस्तता, अराजकता और टूटन के परिदृश्य को रेखांकित करते हैं। इस प्रकार साठोत्री कविता धीरे धीरे एक आंदोलन का रूप धारण कर लेती है। साठोत्तर युवा कवियों के काव्य में हम देखते हैं कि उनके निजी स्वर अपनी मूल प्रवृत्तियों के साथ अभिव्यक्त हुए हैं। इन युवा कवियों ने इसी स्वर के बल पर परंपरा की रूढ़ अभिव्यक्तियों को तोड़ा है और समकालीन समाज, राजनीति तथा व्यवस्था से मोह भंग की स्थिति को उजागर किया है। तत्कालीन आलोचकों और कवियों को साठोत्री कविता में युवा कवियों द्वारा समकालीन मनुष्य की मानसिक स्थिति को रूपायित करने के दावे बेमतलब जान पड़ते हैं, जबकि साठोत्री कविता समाज की मृत मान्यताओं, टूटती हुई परंपराओं और सामाजिक राजनीतिक भ्रष्टाचार से क्षुब्ध युवा मानस की अभिव्यक्ति है। उसे आज की बिखरी हुई दोहरी जिंदगी और बदलते मानवीय संबंधों की अभिव्यक्ति कहा जाता है। अगर कविता जुलूस, नारे, लाठीचार्ज, कर्फ्यू, चुनाव, मतदान, भीड़ और संसद की बात करती है तो इसलिए कि वह मनुष्य को सही परिवेश में रखना चाहती है। जाहिर है ऐसे में साठोत्री युवा कवि कविता में दूर की कौड़ी लाने के बजाय अपने समय के यथार्थ से मुठभेड़ करते हैं। वे चारों ओर व्याप्त सामाजिक राजनीतिक भ्रष्टाचार और व्यवस्था की गंदगी को सामान्य जन के सामने रखने और उसको साफ करने के लिए उसका सहयोग प्राप्त करने के लिहाज से अपनी कविता में आक्रोश, विरोध, विद्रोह, क्षोभ, उत्तेजना, तनाव और छटपटाहट को वाणी प्रदान करते हैं। इसको केवल बगावत, अराजकता, आक्रोश और दिखाऊ बड़बोले विद्रोह कहकर खारिज कर देना कहाँ तक जायज है? यहाँ रेखांकित करने वाली बात है कि हिंदी आलोचना ने बार बार इस कविता को इसी प्रकार खारिज किया। स्वतंत्रता के बाद भारत में तिभागा, तेलंगाना, नक्सलवाड़ी जैसे आंदोलनों को कुचल देने, दबा देने और उसकी जमीन पर ग्रीन हंट का नारा देकर हाशिए के लोगों को प्रताड़ित करने की घटनाओं ने युवा मानस को झकझोर दिया। देश का हर नागरिक, हर व्यक्ति इससे आहत हुआ। मौजूदा विडंबना का साक्षात्कार करते हुए वह खुद से सवाल करने लगा। सन 1972 में लिखी गई आलोक धनवा की प्रसिद्ध कविता गोली दागो पोस्टर इसी सवाल की तरफ संकेत करती है। क्या 1972 की इस 20 अप्रैल को मैं अपने बच्चों के साथ एक पिता की तरह रह सकता हूँ? स्याही से भरी दवात की तरह, एक गेंद की तरह, क्या मैं अपने बच्चों के साथ घास भरे मैदान की तरह रह सकता हूँ? यह वस्तुतः आलोक धनवा का सवाल नहीं है, यह उनकी पूरी पीढ़ी का सवाल है जो वो सत्ता व्यवस्था से करना चाहती है। ये पंक्तियां मनुष्य की विडंबना, व्यवस्था की विद्रूपता और शासन व्यवस्था से मोह भंग को बखूबी रेखांकित करती हैं। जब भी हम साठोत्री कविता की चर्चा करते हैं तो कुछ शब्द जैसे मोह भंग, सिनिसिज्म, पलायन, आक्रोश, यथास्थितिवाद आदि अनिवार्य रूप से आते हैं। दरअसल इन शब्दों में समकालीन मनुष्य की पीड़ा है, उसके कष्ट, दुर्दशा, खीज, क्षोभ, दुर्गति के साथ ही शासन व्यवस्था और भ्रष्टाचार की कथा भी इनमें छिपी हुई है।
अब सत्य शब्द अपना अर्थ खो चुका है। साठोत्री युवा कवि कैलाश वाजपेयी इसी सत्य शब्द की नियति बयां करते हुए कहते हैं, वे लिखते हैं, सत्य शब्द का उच्चारण अब केवल अर्थी ले जाने में होता है। यानी उनके कहने का आशय यह है कि अब सत्य शब्द की अर्थी निकल चुकी है। स्वातंत्र्योत्तर भारत के इतिहास में मोह भंग की स्थिति अचानक पैदा नहीं हुई। आजाद भारत में जनतंत्र के नाम पर मूल्यविहीन राजनीति, अपराधीकरण, लूटमार, भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता का जन्म हुआ। इसके परिणाम स्वरूप दिनों दिन मानवीय संवेदना का ह्रास और अभिजात निरंकुशता का बोलबाला हो गया। लोकतंत्र में सबसे आवश्यक है विपक्ष का होना, लेकिन राजनीति में हुए मानवीय संवेदना के ह्रास और लगातार हावी होती चली गई अभिजात निरंकुशता ने स्वातंत्र्योत्तर राजनीतिक परिदृश्य स्वातंत्र्योत्तर भारत में 2-3 दशकों तक विपक्ष को उभरने ही नहीं दिया। इस राजनीतिक परिदृश्य का जायजा लेते हुए प्रसिद्ध राजनीति शास्त्री रजनी कोठारी लिखते हैं, देश को न तो अंग्रेजों की तर्ज पर नौकरशाह चला रहे हैं और न ही पश्चिमी लोकतंत्र की तर्ज पर कोई 2 दलीय प्रणाली। यहाँ तो एक विलक्षण पार्टी प्रणाली चल रही है, जिसकी खास बात है एक पार्टी का वर्चस्व और विपक्ष का न के बराबर महत्व। यह एक पार्टी है, कांग्रेस पार्टी। स्वतंत्रता के 68 वर्ष बीत जाने पर भी वही प्रणाली शासन चला रही है, जिसमें विपक्ष बिल्कुल गायब है। लोकतांत्रिक पूंजीवाद ने सत्ता और उसकी ताकत की केंद्रीयता को बनाए रखने के लिए सन 47 से लेकर आज तक सामाजिक और राजनीतिक संकट का माहौल तैयार कर मनुष्य को सांस्कृतिक शून्य के बहुत बड़े विभ्रम में फंसा रखा है। साठोत्री कविता के युवा कवि कुमार विकल जल्द ही इस भ्रम को पहचानने लगते हैं। वे लिखते हैं, हमारे हिस्से के शहर में कभी भी आग नहीं जलती, सिर्फ राजमहल की आग की आंच पहुंचती है। इसलिए हमारी रोटियां कच्ची रह जाती हैं, हमारे कपड़े देर से सूखते हैं, हमारी नसों में दौड़ता खून जम जाता है। यह राजमहल की साजिश है कि हमें आग नहीं, आग का भ्रम दिया जाता है। यह भ्रम आज तक भी देश की 120 करोड़ जनता को दिया जा रहा है। आग का यह भ्रम आज भी लोकतंत्र की बुनियादी संरचना को तोड़ रहा है। इस कालखंड में तेलंगाना, श्रीकाकुलम, नक्सलवाड़ी से लेकर जेपी आंदोलन तक हम जन संघर्ष को निरंतर तीव्र होते देखते हैं। एक बार फिर सत्ता ने लोकतांत्रिक तरीके को छोड़कर दमन का रास्ता अपनाया। ऐसे में साठोत्री कविता का जनवादी कवि हाथ पर हाथ धरे बैठ नहीं पाया और निडर होकर सत्ता के विरोध में खड़ा हुआ। लीलाधर जगूड़ी की पंक्तियां यहाँ इसी बात का परिचायक हैं। वे लिखते हैं, वहाँ गोलियां महज इस बात पर चल पड़ीं क्योंकि वे जीना चाहते थे। कवि के कहने का आशय यह है कि आज जीने के लिए भी मरना पड़ता है। यही हमारे समय का सच है। आखिर साठोत्री कभी ऐसा कहने को क्यों विवश होता है? वे विरोध और विद्रोह पर क्यों उतारू होते हैं? इन कारणों की तलाश करने पर हम पाते हैं कि जनतंत्र में साम्राज्यवादी ताकतों और हथकंडों का इस्तेमाल जनता और जनतंत्र के बीच के संवाद को कुचल देता था, लोकतंत्र की हत्या कर देता था। ऐसे में एक जागरूक और संवेदनशील व्यक्ति गोली, बारूद और विद्रोह की बात न करे तो फिर क्या करे? कुमारेंद्र की एक महत्वपूर्ण कविता है गोली और गुलाब। वे लिखते हैं, गुलाब धरती से आसमान को मिलाते हैं और जब अपना संगीत छेड़ते हैं गोलियां अक्सर मेरे जेहन से उतर जाती हैं। गोली मैं तब चुनूंगा जब धरती से आसमान का संवाद टूट जाएगा और भाषा अंधकार में ले जाकर हमारा साथ छोड़ देगी, मगर ऐसा नहीं होगा। इस उद्धरण की आखिरी पंक्ति पर जरा गौर करें, कवि का विश्वास है मगर ऐसा नहीं होगा। यहाँ भारतीय संविधान और लोकतंत्र के प्रति साठोत्री कवियों की अटूट और अगाध आस्था स्पष्ट है। जीवन और
सौंदर्य के प्रति अराजक और विद्रोही कविता का अनुराग स्पष्ट है। जीवन और सौंदर्य के प्रति आस्थावान और जागरूक कवि यथास्थिति को बदलने और मानवीय मूल्यों के संरक्षण के लिए छोटे छोटे लोगों की छोटी छोटी बातों पर निगाह रखते हैं और उनके लिए संघर्ष करते हैं। कुमार विकल लिखते हैं, मुझे लड़नी है एक छोटी सी लड़ाई, छोटे लोगों के लिए, छोटी बातों के लिए। हर व्यक्ति अपने जीवन में इस प्रकार की छोटी छोटी लड़ाइयाँ लड़ता रहता है। भारत में जब से लोकतंत्र स्थापित हुआ, भारतीय जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि निरंतर जनता की उपेक्षा करते रहे। यह जनता उन्हें बहुत छोटे लोग लगी तथा उसकी बातें, उसकी जायज मांगें, उसकी ज़रूरतें उनसे भी छोटी। लेकिन उनकी नज़र में छोटे छोटे लोग दिखने वाली यह जनता संगठित होकर बहुत खतरनाक हो सकती है। कुमारेंद्र इसी बात का संकेत करते हुए लिखते हैं, उपेक्षित होने से बहुत खतरनाक हो जाता है नंगे माथ नंगे पांव आदमी। कार्ल मार्क्स ने भी कहा था कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए सारा संसार। कुमारेंद्र भी उसी बात को एक बार पुनः रेखांकित करते हुए कहते हैं कि जिसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, जो खाली हाथ है, वह किसी से भी टकरा सकता है, किसी से भी लड़ सकता है और वही सबसे खतरनाक है। सत्ता व्यवस्था ऐसे व्यक्ति से ही सबसे ज़्यादा डरती है। अंग्रेजों और साम्राज्यवादी ताकतों के खिलाफ जिस तरह भारतीय जनता संगठित और आंदोलित हुई थी, बाद के दिनों में कभी आज़ाद भारत में उस विकराल रूप में संगठित और आंदोलित नहीं हुई। हाँ, एक बार 1977 में और उससे पहले जेपी के नेतृत्व में भी ऐसा हुआ था। यदि वह दोबारा फिर से उसी रूप में संगठित और आंदोलित हो गई और सत्ता के खिलाफ विद्रोह कर बैठी, जनता ने उससे डरना बंद कर दिया, तो सत्ता और उसके भ्रष्ट अमानवीय ठेकेदारों के सारे हथियार, सारे हथकंडे, गोला बारूद, पुलिस, फौज घुटने टेक देंगे। गोरख पांडे जनता की ताकत को रेखांकित करते हुए लिखते हैं, वे डरते हैं, किस चीज़ से डरते हैं वे? तमाम धन दौलत, गोला बारूद, पुलिस फौज के बावजूद वे डरते हैं कि एक दिन निहत्थे और गरीब लोग उनसे डरना बंद कर देंगे। साठोत्तर कवि अपनी कविताओं के माध्यम से उसकी ताकत की याद जनता को दिलाना चाहते हैं। मुक्तिबोध के शब्दों में जो है उससे बेहतर चाहिए की भावना से उन्हें संपूरित करना चाहते हैं। इस प्रक्रिया में उनकी कविता में आक्रोश, आवेश, उत्तेजना, क्षोभ, खीज, अराजकता, विद्रोह आदि का स्वर दिखता है। साथ ही जीवन और मनुष्य, संविधान और जनतंत्र, गांव और शहर, खेत और जंगल, परिवार और पशु, सौंदर्य और उम्मीद के प्रति अटूट आस्था का स्वर भी उनकी कविता में लगातार विद्यमान है। धूमिल खुद साठोत्री हिंदी कविता के बेहद महत्वपूर्ण कवियों में से एक हैं। उनका काव्य स्वातंत्र्योत्तर भारत के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक इतिहास का एक जीवंत दस्तावेज है। उनकी कविताएं समकालीन मनुष्य की मानसिक स्थिति की तस्वीर पेश करने वाली प्रभावशाली कविताएं हैं। धूमिल ने अपनी कविताओं के जरिए न सिर्फ अपने समय, समाज और राजनीति को प्रभावित किया, बल्कि पूरे वेग से हिंदी कविता की अभिव्यक्ति को ही बदल दिया। धूमिल ने अपनी कविताओं में उन विद्रूपताओं का चित्रण किया है जिनके कारण स्वातंत्र्योत्तर भारत के सामाजिक जीवन में धर्म, जाति, भाषा, प्रदेश, वेशभूषा और खान पान के स्तर पर भेदभाव कायम होता जा रहा था। उच्च वर्ग, मध्य वर्ग, निम्न वर्ग, शहरी और ग्रामीण का अंतर बढ़ता जा रहा था। देश में एकता, प्रेम, सहयोग, भाईचारा, करुणा जैसे मानवीय मूल्यों का ह्रास तेजी से होता जा रहा था और समाज विघटन के कगार पर आ खड़ा हुआ था। सांप्रदायिक दंगे, भाषिक आंदोलन, प्रांतीयता, क्षेत्रीयता विष की तरह समाज की नसों में फैलते जा रहे थे। लिहाजा समाज के जागरूक और संवेदनशील युवा वर्ग का व्यवस्था के प्रति मोह भंग होना स्वाभाविक था।
जागरूक और संवेदनशील युवा कवि धूमिल की चेतना भी इन सब परिस्थितियों में निर्मित हो रही थी। धूमिल जैसे कवि वैसी व्यवस्था के प्रति आक्रोश, आवेश, उत्तेजना, खीज, क्षोभ, अराजकता और विद्रोह का तेवर न दिखाते तो भला क्या करते। दरअसल धूमिल की कविता में समाज में फैली अव्यवस्था का पर्दाफाश तथा राजनीतिक, सामाजिक, पारिवारिक एवं प्रणयगत कुरूपताओं का सही चित्र सामने आया है। आधुनिक कविता में भारतेंदु हरिश्चंद्र को छोड़ दें तो धूमिल से पहले किसी भी कवि ने अपनी कविता में इतनी भयानक, कुरूप और विद्रूप परिस्थितियों और चरित्रों को शायद ही जगह दी हो। लेकिन सवाल यह है कि इस युवा कवि को इतनी कुरूपता दिखाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? दरअसल आजाद भारत में आज़ादी के साथ ही संसदीय लोकतंत्र की स्थापना हुई, लेकिन कुछ ही दिनों में पूरी की पूरी जनतांत्रिक प्रक्रिया विफल होने लगी। सत्ता पर आसीन नेता और मंत्री अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के प्रति उदासीन होकर भ्रष्ट और लालची होने लगे। इस संसदीय लोकतंत्र के भीतर ही बाहुबलियों, धनपशुओं और सांप्रदायिक ताकतों ने झूठ और अपराध का सहारा लेकर तांडव करना शुरू कर दिया। आम जनता के सपनों और उम्मीदों को धीरे धीरे कोरे वायदों और बेमानी योजनाओं की आड़ में तोड़ा जाने लगा। ऐसे में धूमिल जैसा युवा कवि इस बेबस और लाचार जनता का प्रतिनिधि बन बैठा और शासन व्यवस्था के खिलाफ कविता के माध्यम से विद्रोह का बिगुल बजाने लगा। यही कारण है कि धूमिल को हिंदी कविता के प्रचलित मुहावरों और अभिव्यक्तियों को तोड़कर एक नया भाषिक मुहावरा और नए प्रकार का अभिव्यक्ति कौशल ईजाद करना पड़ा। धूमिल का यह नया मुहावरा खूब चला, क्योंकि यह उस समय की जरूरत थी। साठोत्री कविता का मकसद क्या है या क्या होना चाहिए, इस पर हिंदी आलोचना और उसके आलोचकों ने अनेक व्याख्याएं या फतवे जारी किए हैं, लेकिन धूमिल इन सबसे बेअसर होकर वही करते रहे जो उन्हें करना था। कविता के मकसद पर चल रही माथापच्ची के बीच धूमिल लिखते हैं, इस ससुरी कविता को जंगल से जनता तक ढोने से क्या होगा, आपे जवाब दो, मैं इसका क्या करूं? तितली के पंखों में पटाखा बांधकर भाषा के हलके में कौन सा गुल खिला दूं? वस्तुतः वह कविता की प्रासंगिकता को प्रश्नांकित करते हैं, उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि इस प्रकार के बीभत्स समय में, भयावह समय में कविता की उपयोगिता क्या है, खासकर कलात्मक कविता की। साठोत्री कवियों द्वारा कविता में ऐसे विभत्स बिंबों का प्रयोग और कुरूपता का चित्रण एक मकसद के साथ सामने आया। ऐसे प्रयोगों से कवि न केवल स्वातंत्र्योत्तर भारत की सामाजिक, राजनीतिक परिस्थितियों की दर्दनाक तस्वीर प्रस्तुत करते हैं, बल्कि साहित्य और कविता को अपने दायित्व, अपने मकसद और अपने प्रयोजन के प्रति भी आगाह करते हैं। रघुवीर साहेब भी लिखते हैं, जहाँ कला अधिक होगी बदलाव नहीं हो सकता। धूमिल का भी कुछ ऐसा ही मानना है, वे कलावादी कविता का विरोध करते हैं। यही कारण है कि धूमिल स्वातंत्र्योत्तर भारत की कविता और कवियों को चाटुकारिता और उदासीनता की राह से मोड़कर सही रास्ते पर लाने की जद्दोजहद करते हैं और खुद भी जनवादी कविता लिखते हैं। धूमिल रूढ़ियों को तो तोड़ते हैं, लेकिन उनकी कविताओं में परंपरा के प्रति आस्था भी है। गौरतलब है कि धूमिल में हिंदी कविता की परंपरा की पहचान है। वे जानते हैं कि पहले कविता मनुष्य की एक चीख सुनकर, मनुष्य की थोड़ी सी पीड़ा के कारण उत्पीड़क के खिलाफ तुरंत सम्मन जारी करती थी, उसकी खबर लेती थी, लेकिन आज स्थिति बदल गई है। आज कविता किसी विद्रूपता के खिलाफ बौखलाए मनुष्य का एक आलाप है। वे लिखते हैं, वह बहुत पहले की बात है जब कहीं किसी निर्जन में आदिम पशुता चीखती थी और सारा नगर चौंक पड़ता था, मगर अब उसे मालूम है कि कविता घेराब में किसी बौखलाए हुए आदमी का संक्षिप्त एकलाप है।
इन पंक्तियों से हमें यह न समझना चाहिए कि धूमिल की कविता की अवधारणा मात्र यही है। वे लिखते हैं, एक सही कविता पहले एक सार्थक वक्तव्य होती है। इसका मतलब ये हुआ कि धूमिल का कविता की शक्ति में पूरा भरोसा है। वह अमानवीय व्यवहार, जो सत्ता का अमानवीय व्यवहार है, उसके खिलाफ एक सख्त कार्रवाई भी है। धूमिल कविता और मनुष्य के संबंध को नए परिप्रेक्ष्य में रेखांकित करते हैं। इस संदर्भ में धूमिल की कविता मुनासिब कार्रवाई बेहद उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण है। धूमिल लिखते हैं कि कविता क्या है, कोई पाजामा है? ना भाई ना, कविता शब्दों की अदालत में मुजरिम के कटघरे में खड़े बेकसूर आदमी का हलफनामा है। धूमिल के लिए कविता एक मकसद है, एक मुकाम है, एक प्रयोजन है, एक हथियार है। धूमिल के लिए कविता केवल बौखलाहट, बड़बड़ाहट, आक्रोश, आवेश, उत्तेजना और उद्दंडता ही नहीं है, बल्कि उनके लिए कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। इसी कविता में धूमिल लिखते हैं, क्या यह व्यक्तित्व बनाने की, चरित्र चमकाने की, खाने पकाने की चीज है? ना भाई ना, कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। वस्तुतः धूमिल बताना चाहते हैं कि कविता के अंदर मनुष्यता और मनुष्य भाव का पोषण और रक्षण होता है। इस धारणा के साथ धूमिल जब साठोत्री कविता में प्रवृत्त होते हैं, तब केवल स्वातंत्र्योत्तर भारत के जलते धधकते यथार्थ का अनुभव ही नहीं करते, समाज और राजनीति की भद्दी और कुरूप अवस्था का चित्रण ही नहीं करते, बल्कि गहन विचारशीलता और कलात्मकता के साथ गंभीर से गंभीर संदर्भों को सामान्य भाषा में हमारे सामने रख देते हैं। धूमिल की कविता की पंक्तियां पढ़ने पर बहुत सामान्य सी जान पड़ती हैं, लेकिन जैसे ही हम थोड़ा ठहर कर गहराई में उतरते हैं और हमारी संवेदना का उन पंक्तियों से साक्षात्कार होता है, हम उन सामान्य पंक्तियों की गिरफ्त में आने लगते हैं। हमें साधारण में असाधारण का एहसास होने लगता है। कारण कि धूमिल अपनी सामान्य सी कविताओं में भी फतवेबाजी, फिक्रेबाजी और दार्शनिकता को हावी नहीं होने देते, बहुत ही साधारण शब्दों में असाधारण बात कह जाते हैं। मोचीराम कविता की ये पंक्तियाँ इसी बात की परिचायक हैं। और असल बात तो यह है कि वह चाहे जो है, जैसा है, जहाँ कहीं है, आजकल कोई आदमी जूते की नाप से बाहर नहीं है। धूमिल पर निराला और मुक्तिबोध की काव्य परंपरा का स्पष्ट प्रभाव लक्षित किया जा सकता है। धूमिल की मोचीराम और पटकथा जैसी कविताओं को पढ़ते हुए पाठक को निराला की भिक्षुक और मुक्तिबोध की अंधेरे में कविताओं का स्मरण हो आना स्वाभाविक है। धूमिल की लंबी कविता पटकथा उनके काव्योत्कर्ष का चरम है, जो धूमिल को स्वतंत्रता के बाद के श्रेष्ठ कवियों की पंक्ति में ला खड़ा करती है। इस लंबी कविता को हिंदी आलोचकों ने बहुत बार असफल कविता करार दिया है। ऐसे आलोचकों में शिव कुमार मिश्र के साथ साथ अशोक वाजपेयी जैसे आलोचक भी शामिल हैं। धूमिल की पटकथा जैसी कविता को असफल और अंधेरे में कविता की अधकचली नकल बताने वाले आलोचक इस कविता के बेजोड़ शिल्प और संवेदनशील अंतर्वस्तु को पकड़ने में शायद चूक जाते हैं। यही कारण है कि उन्हें इस कविता में विराट विजन और रचनात्मक तनाव का अभाव नजर आता है। मुक्तिबोध की फैंटेसी और उस फैंटेसी से निर्मित भाषा की अपेक्षा धूमिल सहज भाषा और सहज शिल्प में अपना काम कर जाते हैं। यही उनका निजी स्वर है, यही उनकी उपलब्धि है। सही है कि धूमिल पटकथा में मुक्तिबोध के अंधेरे में से बहुत कुछ लेते हैं, लेकिन नकल के तौर पर नहीं। मुक्तिबोध की अंधेरे में कविता में आए सभी चरित्रों, जैसे डोमाजी उस्ताद के पीछे चलने वाले पत्रकार, वकील, सैनिक, ब्रिगेडियर और जनरल, जो अपने काले लिबास के चलते पहचान में नहीं आते, पर धूमिल पटकथा में उन सभी चरित्रों पर रोशनी डाल देते हैं। अंधेरे में के ये सभी चरित्र पटकथा में आते आते पूरी तरह परिभाषित कर दिए जाते हैं। तभी तो धूमिल
लिखते हैं। वे सबके सब तिजोरियों के दुभाषिये हैं, वे वकील हैं, वैज्ञानिक हैं, अध्यापक हैं, नेता हैं, दार्शनिक हैं, लेखक हैं, कवि हैं, कलाकार हैं, यानी कि कानून की भाषा बोलता हुआ अपराधियों का एक संयुक्त परिवार है। धूमिल सच्चे अर्थों में जनता के कवि हैं, वे हर परिस्थिति में जनता के साथ खड़े हैं। जनता की भावनाओं के साथ संगति बिठाना उनका उद्देश्य है, इसके लिए वे डटकर खड़े हैं, सजा भुगतने को भी तत्पर हैं, एक आत्मकथ्य में उन्होंने कहा है, ईमानदार होने की अपेक्षा संगत होना मेरे लिए अधिक सहज है। आप वही चुनें जितना आपके लिए आवश्यक है। अपनी शर्म के नीचे अपमानित होने के लिए अपनों को छोड़कर भागना और सजा सुनते वक्त कानों को बंद कर लेना बचने की सही तरकीब नहीं है। इस संगति के साथ धूमिल अपने देश की असहाय और विडंबनाग्रस्त जनता के साथ डटकर खड़े रहते हैं और झकझोर देने वाली भाषा में मार्मिक सच्चाई को कहने लगते हैं, जिसे पढ़ सुनकर सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी अपनी नसों में बिजली की कौंद महसूस करने लगता है। धूमिल लिखते हैं, सुनो, आज मैं तुम्हें वह सत्य बतलाता हूँ जिसके आगे हर सच्चाई छोटी है। इस दुनिया में भूखे आदमी का सबसे बड़ा तर्क रोटी है, मगर तुम्हारी भूख और भाषा में यदि सही दूरी नहीं है तो तुम अपने आप को आदमी मत कहो, क्योंकि पशुता सिर्फ पूंछ होने की मजबूरी नहीं है। धूमिल रेखांकित करते हैं कि भारत आजाद नहीं हुआ है, भारत में केवल सत्ता का हस्तांतरण हुआ है। यही कारण है कि आज़ादी से पूर्व जो बर्बरता और अमानवीयता विदेशी शासकों द्वारा की जाती थी वही आज़ादी के बाद भी जारी है। आज़ादी के सपने, वायदे, उम्मीद सब विफल हो गए हैं। धूमिल का समय बीत गया है, पटकथा भी पुरानी पड़ चुकी है, लेकिन उसका कथ्य आज पहले से कहीं ज़्यादा प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो चुका है। धूमिल का बेबाक ठेठपन और असहाय जनता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता अप्रत्याशित और लीक से हटकर है, जिसे बार बार दोहराया जाना चाहिए। पट कथा के बाद मोचीराम धूमिल की सबसे महत्वपूर्ण कविता है। धूमिल ने इस कविता में ऐसे चरित्र को गढ़ा है जो उनसे पहले शायद ही किसी ने गढ़ा हो। धूमिल का कविता के लिए ऐसे विषय का चुनाव उनको निराला की परंपरा में ला खड़ा करता है। आजाद भारत में भी व्यवस्था के चरित्र को रेखांकित करने और गरीब जनता की मनः स्थिति को रेखांकित करने के लिए अनेक कवियों ने ऐसे विषयों और चरित्रों को गढ़ा है। रघुवीर साहे की रामदास कविता इसी का उदाहरण है, लेकिन धूमिल ने एक मोची को केंद्र में रखकर जो अभिव्यक्ति की है वह सर्वथा नवीन और संवेदनशील है। अपनी दृष्टि और संवेदना के सहारे वे एक मोची जैसे सामान्य चरित्र में बैठ जाते हैं और उसके बाद उनकी जुबान से जो बातें कविता में आती हैं वे स्वातंत्र्योत्तर मनुष्य की व्यथा कथा और सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था के नंगेपन को और नंगा कर देती हैं। मोचीराम कविता का नायक मोचीराम बड़े सरल और सहज भाव से कहता है, बाबूजी सच कहूँ मेरी निगाह में न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। बातों बातों में ही मोचीराम जो बात हमसे कह जाता है वह जनतांत्रिक व्यवस्था के भीतर हो रहे अत्याचार, उदासीनता और बीमारू माहौल को सामने रख देने के लिए पर्याप्त है। ऐसे चरित्र का निर्माण करने में धूमिल सफल हुए हैं तो सिर्फ इसलिए कि शहर के साथ साथ ग्रामीण संस्कार भी उनमें रचा बसा है। इसी कारण धूमिल आज़ाद भारत के हर तबके में पैठ बना लेते हैं। वे हर तबके की वस्तु स्थिति और उस तबके पर व्यवस्था द्वारा कसे गए शिकंजे और कुचक्र में पिस रही जनता की हालत को देख पाते हैं। इन हालात को मोचीराम रूपी चरित्र नायक के शब्दों में वे इस प्रकार लिखते हैं, और बाबूजी असल बात तो यह है कि जिंदा रहने के पीछे
अगर सही तर्क नहीं है तो रामनामी बेचकर या रंडियों की दलाली करके रोजी कमाने में कोई फर्क नहीं है। धूमिल के काव्य संसार की भाषागत विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता है, धूमिल का अपने युग वेद बोध के अनुरूप अपनी कविता में नए भाषिक मुहावरे का प्रयोग। इस प्रयोग के अनुरूप उनकी नवसृजित भाषा, उनकी भाषा में अत्यंत प्रचलित और आम फहम शब्दों का प्रयोग है। ऐसे शब्द जो शहराती और ग्रामीण दोनों ही संस्कारों से लवरेज हैं। धूमिल की कविता में कचहरी से सीधा संबंध दिखता है, इसलिए उनकी कविता में इससे जुड़े तमाम शब्द, मसलन अपराधी, हलफनामा, कारागार, मुजरिम, अदालत आदि अपनी पूरी अर्थवत्ता के साथ आते हैं। इसके साथ ही लंबी कविता का शिल्प गठन, उसके अनुरूप नाटकीयता, चरित नायक आदि का चुनाव धूमिल ने अपनी कविताओं में किया है। असाधारण बात को साधारण शब्दों और भाषा के बल पर कह जाना धूमिल की प्रतिभा का प्रमाण है। इसके साथ ही धूमिल की कविता में व्यंग्य का प्रयोग देखने में तो सामान्य सा लगता है, लेकिन उसकी धार बहुत तीखी और पैनी है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि धूमिल स्वातंत्र्योत्तर भारत का सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवेश और उसकी विद्रूपता, समकालीन मनुष्य की मानसिक स्थिति, उसकी लाचारी और विडंबना को बड़ी बेबाकी से बेपर्दा कर देते हैं। यही उनकी शैलीगत संपन्नता और काव्यगत विशिष्टता है। धूमिल को किसी परंपरा का गुलाम बनना गवारा नहीं था, बंधन उन्हें पसंद नहीं थे। उनके लिए कविता एक प्रयोजन है, एक उपकरण है, जिसका वे गलत से लड़ने के लिए संदर्भानुसार सृजन करते हैं, गलत को ठीक करने के लिए वे कविता का उपयोग करते हैं। यही उनकी उपलब्धि है। धन्यवाद।